तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय इंडिया। आज हम बात करने वाले की मोबाइल के डेटा पैक के बारे में, जो कि दो कंपनी लीडिंग कंपनी है, एक है जियो, दूसरा है एयरटेल, जो कि हमको सेम पैक देते हैं लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। हाँ, तो पहले हम देखते हैं उनके कॉल रेट्स। तो हमको पहले अनलिमिटेड कॉल मिलते हैं दोनों, जियो में और एयरटेल में, एसएमएस पैक्स। एज पर जियो, जियो का तो एसएमएस पैक भी फ्री है और एयरटेल का भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जैसे कि आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में इंटरनेट पैक, दोनों का पैक सेम 1 GB पर डे और 70 डेज देगा। 70 डेज। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। अभी पहले एयरटेल का बताएं। एयरटेल के दो पैक्स, एक 448 का और एक 399 का। 399 के प्लान में आपको पहला एसएमएस पैक नहीं मिलेगा और एक 448 का अच्छा रहेगा, लेकिन इतने कंक्लूजन पे चल जाते नहीं, तो हम पहले जियो का भी देखते हैं। तो जियो का सबसे अच्छा बेनिफिट उसका नेट पैक है, हाँ, जो कि सिर्फ ओल्ड लाइट मोबाइल में ही अच्छा है। अभी देखते सबके डिसएडवांटेजेस पे, एडवांटेजेस सब बोल बोलते हैं, तो मेन आ गया हमारा डिसएडवांटेजेस। देयर यू आर, आपको नेटवर्क मिल सकता है और नहीं भी, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में आपको इसका नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे आपका इंटरनेट भी इम्प्रूव होगा। दूसरा, अगर आपके मोबाइल वो लाइट नहीं है तो आपको मेरे जो ऐप यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक और काम बढ़ के मेमोरी फुल का। यही दो डिसएडवांटेजेस है हमारी जियो सिम्स के, तो फेंक दो साइड में, रख दो। अब हमारा एयरटेल, टन टना टन टन टना एयरटेल। एयरटेल का एक दो डिफरेंट दो पैक में, जो कि एसएमएस का डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ, हाँ वो एक है, जो कि जियो और एयरटेल दोनों 100 SMS पर डे देते हैं और 1 GB। इसका मेन एयरटेल का है कि आपका 1 GB खत्म होने के बाद जो 2G चालू होगा, वो एक्चुअली 0.0 KBPS है, आपको 10 KBPS तक इतना ही देगा। और वैसे आप जियो का देखेंगे तो आपको 10 KBPS से 40 KBPS तक डेटा पैक देगा, जो कि अच्छी बात है। और एयरटेल के इसमें तो व्हाट्सएप भी चालू नहीं, हाँ एयरटेल का एक डिसएडवांटेज हो गया। एक और डिसएडवांटेज है कि आपको वो फ्री रोमिंग कॉल देता है, लेकिन एज पर आप कौन से भी दूसरे रोमिंग में जाएंगे तो आपका सिम कार्ड नो नेटवर्क करके दिखेगा। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो गया है, मैं कोल्हापुर गया था जैसे, हाँ बाय द वे, हाँ आपको मैं पता नहीं कोल्हापुर कब गया, तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन पे दिया है ऊपर, हाँ जरूर देखना। तो यही डिसएडवांटेज और एडवांटेज के साथ जियो एयरटेल दोनों पैक अफोर्डेबल है। मेरे हिसाब से जियो इज द बेस्ट, क्योंकि रोमिंग में भी आपको साथ देगा और सब कुछ, इस हिसाब से आपका जियो इज द बेस्ट। और ट्राई आउट एयरटेल ऑल्सो, क्योंकि एयरटेल का भी प्लान अच्छा है और उसको नेटवर्क कहाँ भी आता है। तो फॉर दिस मेरे हिसाब से एयरटेल अच्छा है और जियो भी, तो आप जियो ले सकते हो एयरटेल। ज़्यादा आप ट्रैवल करने वाले हो तो एयरटेल आप द बेस्ट, और ज़्यादा आप घर में रहते हो तो जियो इज द बेस्ट। तो आपके हिसाब से दोनों प्लान अच्छे हैं। और प्लीज़ आपको अच्छा लगा था वीडियो तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल भी ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए, आपकी ज़रूरत है। सो लाइक दिस, सपोर्ट मी तो बाय टेकिंग दिस कॉल। जय इंडियन इज साइनिंग आउट, सो टाटा बाय बाय। वन कंट्री नो स्टेट्स।